कुछ दिनों पहले हमने आपको यूपी के बस्ती के कुदरा ब्लॉक से एक ही टॉयलेट में लगी दो सीटों की खबर को दिखाया था और इस खबर को आपके अपने चैनल न्यूज वॉच इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जिला अधिकारी ने मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई भी की थी। लेकिन कार्रवाई होने के बाद भी ठेकेदारों के महान कारनामे अभी भी नहीं थम रहे। बस्ती में फिर से ठेकेदारों ने एक और बड़ा कारनामा किया है, जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल ये जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रुदौली ब्लॉक के धनसा गांव की है, जहां सामुदायिक शौचालय में एक साथ चार सीट लगा दी गई हैं, जिसके बाद चार सीट का शौचालय चर्चा का विषय बना हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक चार दीवारी में एक साथ चार सीटों का शौचालय बनाकर तैयार किया गया है, वो भी बिना दरवाजे और पार्टीशन के। जरा सोचिए, क्या एक कमरे में एक साथ चार लोग शौच के लिए जाएंगे? जब इस मामले को लेकर सीडीओ राजेश प्रजापति से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों के लिए ओपन टॉयलेट की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में 39 शौचालय बने हैं, शौचालय की डिजाइन को लेकर जांच की जा रही है, लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं देखिए, गई है जो मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि एक टॉयलेट में सामुदायिक शौचालय में चार टॉयलेट एक साथ बना दिए गए हैं, ये गलत है। क्योंकि हमारे यहाँ 39 में टॉयलेट बने थे, जिसमें शासन के एक डिज़ाइन भी आई थी, जिसमें यह था कि जो छोटे बच्चे होते हैं बाल मैत्री के हिसाब से, उनके लिए ओपन टॉयलेट की व्यवस्था की गई थी, उसी के तहत वहाँ पर टॉयलेट का निर्माण किया गया है। और फिर भी हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि जितने हमारे 39 टॉयलेट्स बने हैं, उसमें जो डिज़ाइन थी क्या उसके मानक के अनुसार नहीं बने, उसमें हम लोग जाँच भी करा लेते हैं। अगर उसमें कोई कमी है, अगर मानक विहीन है या कोई अन्य कमी पाई जाती है, तो सही कर दिया जाए। उन लापरवाह जो अधिकारी, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? नहीं, अगर इसमें जानबूझकर कोई लापरवाही की गई है, तब तो अगर कोई जो भी दोषी होगा, जो जांच में, उसको कार्रवाई की जाएगी। सर, बच्चों वाली सीट की जगह उसमें बड़ों की सीट लगाई है, ये जांच का विषय है, हम देख लेंगे। अगर इस तरह की बात होगी तो साफ तरीके से वीडियो में दिख रहा है उसमें। नहीं नहीं, वीडियो अलग चीज़ होती है, मौके पर जाँच अलग चीज़ होती है, दोनों में। और क्या उसका मानक था, वो देखने की जरूरत है। इसीलिए हमने डीपीआरओ से कहा है कि इसमें जांच करा लें। 39 जो पिंक टॉयलेट बने हैं, और उसमें देखें क्या गाइडलाइंस थी, क्या उनका डिजाइन थी, उसको देख करके फिर जो सही उसको करवा लें। वहीं जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की किरकिरी होने के बाद जिला प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लिया और शौचालय को तोड़वा दिया गया है। लेकिन ये अभी जिले के ये दूसरे शौचालय की तस्वीर है, जिसे मीडिया ने उजागर किया है। इससे पहले भी कुदरा ब्लॉक की तस्वीर मीडिया ने दिखाई थी, जिसमें बिना पार्टीशन के टॉयलेट में दो सीटें लगा दी गई थी। लेकिन पूरे जिले में 39 शौचालय बन रहे हैं, ऐसे में और भी शौचालय की जांच हो रही है। ऐसे में क्या कुछ जांच में निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज वॉच इंडिया के लिए बस्ती से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट।